हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से एग रोल बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने एग से ही स्टफिंग भरी है और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी इसमें ग्रीन वेज भी पड़ी हुई है। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे का डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया। अब इसके हम पराठे बना के रख लेंगे। सबसे पहले इसके हम इस तरह से बॉल बनाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं रखने हैं, बॉल मीडियम साइज का रखना है। उसके फिर पराठे बनाएंगे। सूखा आटा लगा लेंगे, फिर इसे हम बेल लेंगे। पराठे को मैंने बेल लिया है, अब इसे हम पकाएंगे। तवे को गरम कर लिया है, उस पर हम पराठा डाल देंगे और मीडियम आंच पे पराठा पकाना है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना है। फिर इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसको इस तरफ से हम घी लगा लेंगे, फिर दूसरी तरफ भी हम पलट के घी लगा लेंगे। और अच्छे से ये पराठा तैयार करके रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे पराठे पका के रख लेंगे। पराठा अच्छे से सिक चुका है, इसे हम निकाल के रख लेंगे। सभी पराठे मैंने सेक के रख लिए हैं, अब इन्हें एक तरफ रख देंगे। अब इनकी फिलिंग हम तैयार करेंगे। एग रोल की फिलिंग बनाने के लिए मैंने इन सभी चीजों का यूज किया है। 3 उबले हुए अंडे ले लिए हैं, 4 मैंने कच्चे अंडे ले लिए हैं, थोड़ा सा प्याज मैंने इस तरीके से काट लिया है सैलेड के रूप में, 1 गाजर को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 1 शिमला मिर्च को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 1 बड़ा प्याज मैंने छोटा छोटा काट लिया। अब फिलिंग हम अपनी तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उबले हुए अंडे को छोटा छोटा काट लेंगे। अंडों को मैंने इस तरह से काट लिया है, अब इसे हम पकाएंगे। 1 कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है, जिसमें हम 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। इसके बाद प्याज डाल देंगे जो हमने काट के रखा है, गाजर भी डाल देंगे, शिमला मिर्च भी डाल देंगे। और इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, समथिंग 5 मिनट ही इसे पकाना है। 5 मिनट मैंने ग्रीन वेज को शॉर्टे कर लिया है। अब इसमें हम अंडे डालेंगे जो हमने काट के रखे हुए थे, इसे भी हम 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। बट इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम, थोड़े से 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे। गैस को हमें धीमा रखना है, ज़्यादा तेज आँच नहीं रखनी है और इसे अच्छे से हमें भूनना है। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। समथिंग 5 मिनट इसे अच्छे से भूनना है। आप इसी तरीके से घर पे एग रोल बनाएं तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। पांच मिनट हो गए हैं, फिलिंग हमारी बनके रेडी हो गई है। इसे हम गैस बंद करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। पराठे भी हमारे बनके रेडी हो गए हैं, एग रोल की फिलिंग भी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम ऑमलेट बनाएंगे। 1 ही अंडे का ऑमलेट बनाना है और इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है। अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया, इस पे 1 टेबल स्पून ही ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं ऑयल का यूज करना है। इसे हमें फैला देंगे। अब इस पे हम फेटा हुआ अंडा डाल देंगे, इसे हम थोड़ा थोड़ा फैला देंगे।
पराठे के अनुसार ही इसके शेप रख लिए हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा रहे ऑमलेट। अब नीचे की साइड पक चुका है, इसी के ऊपर हम पराठा रख देंगे। और इसे भी अच्छे से हम पका लेंगे। पराठे को हम धीरे से पलटेंगे। दूसरी साइड भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी है और इसी तरीके से हम पराठे बना के रख लेंगे ऑमलेट के साथ। इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा भी पराठा हम इसी तरीके से बना के रख लेंगे। पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं ऑमलेट के साथ। इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे, जिस हिसाब से आप मिर्च खाना चाहें उस हिसाब से आप लगा सकते हैं इसमें सॉस। उसके बाद इसमें एग की फिलिंग रखेंगे जो हमने बनाई हुई थी। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें कि कैसी लगती है। स्टफिंग में भी अंडे डाले हैं, इसीलिए हमने एक अंडे का ही ऑमलेट बनाया है। आप चाहें तो दो अंडे का भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से आप अंडे खाना चाहते हैं। उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज रख देंगे। थोड़ी सी फिलिंग और डाल देंगे ताकि खाने में और देखने में और भी अच्छा लगे। के बाद इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। फिर इसे हम रोल कर लेंगे। दोनों रोल हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसे हम नैपकिन पेपर में लपेट देंगे जिससे रोल हमारा अच्छे तरीके से रहे, खुले ना बिल्कुल भी। दूसरा भी रोल हम इसी तरीके से बना लेंगे। एग रोल मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।